दिल्ली का इसमें आपको एकदम बेस्ट आर्मी दिखाता हूँ और बेस्ट अटैक दिखाता हूँ। ये तो भी मैंने वार के लिए डोनेशन आर्मी लगा रखी है। सेंट रूट 5 रूट राइडर आप देख लीजिए। 3 ओवर ग्रोथ स्पेल एंड 1 जंप स्पेल फॉर द किंग। चल मैं आपको अटैक करके दिखाता हूँ। आज के मेरे तो अटैक टाइम फेल हो गए थे। कल का देखिए -286 ओनली +9 भाई बहुत बेकार डिफेंस आ रहा है। चलिए देखते हैं अटैक सेट पर। सारे मिक्स बेसिस पे अटैक किए मैंने। अब ये देख कैसा बेस है भाई, एकदम फुल्ली मैक्स फुल्ली बोल सकते डेड। इसमें क्या है कि इसमें टाइम बहुत लगता है आर्मी में। ये वाली आर्मी पूरा टाइम लेती है अटैक करने के लिए। मैंने इसमें किधर से अटैक किया होगा। फ्रॉम दिस साइड पहले किंग को निकालना है। एक कंपार्टमेंट पूरा ख़त्म कर देना है जिससे कि हमको जगह मिल जाएगी हमारी आर्मी को रनअप करने के लिए। पूरा कंपार्टमेंट ख़त्म हो गया किंग के जरिए और बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी आ गई। अब इधर से क्या है कि ऐसे होके ये आर्मी ऐसे रन करेगी। पहले 3 रूट छोड़ने हैं फिर उसके बाद 3 रूट छोड़ने हैं 30 सेकंड बाद। मैं आपको कल लाइव अटैक दिखाऊंगा। ये तो मेरे रिकॉर्डेड अटैक है आज के मैंने। इसमें मेरे सारे के सारे रूट ट्रेडर मर गए थे पर फिर भी मैंने अटैक को संभाल लिया। ये देखिए मेरी पूरी वार्डन एबिलिटी अभी तक नहीं दी है मैंने। जब भी मैं इसकी एबिलिटी दूंगा आरआर की तो इसमें से हॉक्स पॉपअप होंगे। और मैंने वार्डन की एबिलिटी दे दी इसलिए वो मरेंगे नहीं। अटैक मेरा अच्छे से 3 स्टार हो गया। स्पेल भी बच गई मेरी फ्री स्पेल। पूरा 3 मिनट रही है अटैक ने। ये आर्मी कंपोजिशन देखिए मेरा। सीसी में आपको ये लेना है 2 रूट राइडर 1 बॉल करी 2 बारबेरियन डेज एंड फ्रीज वो तो सीज पे रही रहेगा। चलिए आपको दूसरा कटिंग दिखाते हैं। डेंस वैसे ही टाइप का। लेट्स सी हाउ डू आई डिफेंड दिस वे और टेक दिस वे। आई थिंक आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड इवन आई डोंट रिमेम्बर। यस 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 फ्रॉम दिस साइड बिकॉज मेरा अटैक मुझे तो पता ही होगा ना।
हेड एंड डेथ रून डाल दो, किंग को डाउन करो, अपने किंग की एबिलिटी बचाओ, फालतू काम उसे। जंप स्पेल उधर डाल दिया। अब ये देख, ये कंपाउंड खत्म हो गया, अपनी आर्मी डाल दो। ओ जी स्पेल एकदम बीच सेंटर में डालनी है, साइड साइड से घूमते रहे अपने हाथ में। किंग अपना काम करके चला जाता है, फिर तुमको अपने आर्मी से काम करना है। ये देखिए तीन बचाए मैंने, तीन काम कर रहे हैं। अब टाइम होते ही तीनों को भी डाल दिया मैंने, दो डाल दिया, अभी एक और डाल दूंगा। इस पहले को डाल दिया मैंने। अपनी दो एबिलिटी एंड तक बचा के रखना है, अगर बच सकें तो मिस यूज मत करना। एक तो आरसी की एबिलिटी, एक क्वीन की एबिलिटी, वो टीएच को ख़त्म करने के काम में आती है। देखिए मैंने यहाँ पे वार्डन एबिलिटी यूज की क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ही डिफेंस था। और थ्री स्टार हो पे गया, आर पी मेरी पूरी घूम गई बेस पे। यस इजी, आप ट्राई करना। ये तो जी बेस किया था, मैंने कुछ अलग तरीके से किया था, टी एस साइड से मैंने ट्राई किया था इसको। टी एस वाला कंपार्टमेंट मैंने पूरा निकाल लिया था किंग से, मैंने अपने सुपर बारबिंग से ये सारा क्लीन अप कर लेना, और जहाँ किंग हमें अंदर डालना वहाँ से डाल देना। किंग अपना काम कर रहा है, अपना दूसरी साइड से अटैक स्टार्ट कर दो, जैसे मैंने यहाँ से घर के डाल दिए, वो अपना काम करता रहेगा। यहाँ पर जंप स्पेल मैंने यहाँ पे डाली थी, सोचा था किंग इधर आ जाएगा बचा लूँगा, बट कोई नहीं, अच्छा अटैक गया था। बस इसकी वॉल्स नहीं हो रखी हैं, और मैच से इसका डिफेंस, इसमें वॉल्स की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। रूट राइडर ने तो वो उसको तो ख़त्म ही कर दिया है, उसकी तो वैल्यू रही नहीं। आपको सेंटर बेस भी दिखाऊंगा मैं अभी कैसे हूँ। साथ में ये जो हमारी है स्प्रेड नहीं हो जाए, फैल नहीं जाए पूरे बेस पे, अपने वार्डन के सर्कल के अंदर ही रहनी चाहिए। इधर उधर चलेगी ना फिर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर मेरी क्वीन चलेगी, अब मैंने यहाँ पे उसकी एबिलिटी दे दी, ये इसको ख़त्म कर देगी मोनोलिथ को, क्वीन बच गई हमारी। ये सारे हमें क्लीन अप करते जाना है सुपर बारबेरियन से। पूरी आर्मी भाई हमारे बेस पे घूम रही है, देखो स्वेग अटैक है भाई, रेज एंड फेज स्पेल तो हमारी रहेगी। आप वीडियो पे कमेंट करो कौन सी आर्मी पे आपको अटैक चाहिए, उसी के मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप लोगों के लिए मैं ट्राई करूँगा, चलो कल के अटैक देखते हैं। फुल्ली मैच पे
डेंस फैंस इसमें मैंने किधर से अटैक किया होगा, इधर के साइड से आई थिंक सो, यस इधर से, क्योंकि मुझे ये वाला कंपार्टमेंट चाहिए था, इधर से अपने आदमी चला सकते हैं। हमारा किंग का आईक्यू बहुत बढ़िया, जहाँ हम उसको भेजना चाहते हैं उधर ही चला जाता है वो, कभी कभी गलत हो जाता है बट वैसे तो बहुत अच्छा है। और ये सारा के सारा डिफेंस मेरे आर्मी पे टेक कर रहा था, मैंने इसको सारे को सारे बहुत ब्लॉक कर दिया। बस नोश आ रहा हूँ उसके लिए सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लेना। ये जो हमारे ड्रूड है ना, इसको ऐसे छोड़ना है कि ये सारी आर्मी के ऊपर चिपक गए हैं। अगर हम इसको हीरो पीछे से छोड़ेंगे तो हीरो पे लग जाएंगे, अगर हम इसको क्या बोलते हैं वॉलकरी के पीछे छोड़ेंगे वॉलकरी पे लग जाएंगे, मतलब जिसके पीछे छोड़ते हैं ना इसके अगर उनको पावर कम देगी वहीं पे लग जाते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे आ गए, सही काम कर रहे हैं अपना। बाकी की वीडियो बाद में रहूँगा, फुल प्रॉब्लम आ गई घर पर।